होपफुली अब इश्यू नहीं होगा। तो आप लोग लाइव हैं? निहाल, मैंने देखा आप लाइव थे, रोशनी आप लाइव हैं, आपको आवाज आ रही है? श्रीराम आप भी लाइव थे, अब आप देख सकते हैं हम लोग को। ओके, कोई एक जना लाइव आया, दो तीन, सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। कॉल हो गए, छह हो गए, वेरी गुड। रोहित चौधरी, गुड मॉर्निंग, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? ये धनंजय है हमारे पास जो बैठे हुए हैं। श्रीराम, गुड मॉर्निंग, कितनी रात तक जगे बॉस, कहाँ तक पहुंचे जीओसी में? रोहित जल्दी से बता दीजिए कितने वीडियो देख लीजिए देख लिए सब लोगों ने। लुबित सिंह, मोहित गर्ग, जीओसी के कितने वीडियोस देख लिए हैं? टोटल 95 वीडियोस हैं। आई एम अपलोडिंग 6-7 वीडियोस मोर टुडे। मैकेनिज्म्स के ऊपर एडिशन और एलिमिनेशन तक था, सब्स्टिट्यूशन भी डाल रहे हैं हम लोग। तो गाइस जल्दी जल्दी बता दीजिए कहाँ तक पहुंचे जीओसी में, क्योंकि कल श्रीराम का मुझे 12 बजे मैसेज आया कि सर और बढ़ा दीजिए, इतने वीडियो नहीं देख पाएंगे। और मैंने कहा कि बॉस बढ़ाएंगे नहीं, इसको खत्म करना है। सब लोग को आवाज आ रही है मेरी? सुन सकते हैं आप लोग हमें? सूरज कुमार, गुड मॉर्निंग। रोहित चौधरी, मोहित गर्ग, लुबित, कितने वीडियो देख लिए हैं जीओसी के? 30, 40, 50। आई रिवाइज फ्रॉम माय नोट्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी मकवाना, गुड मॉर्निंग। हाँ, 3 AM तक 26 वीडियोस, हैवी है बॉस, फाइट होने वाली है। ठीक है गाइस, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से प्लीज इस फीड को शेयर कर दीजिए, फिर हम धनंजय का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो प्लीज लुबित, श्रीराम, अविक, अभी मकवाना, सूरज कुमार, प्लीज शेयर कर दीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए कि आपने शेयर कर दिया है। मैं अभी भी 20 शेयर पे ही अटका हुआ हूं, आप सब लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे आपका हेल्प चाहिए, शेयर कर दीजिए प्लीज। धनंजय आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। लुबित, हाय हाय, गुड मॉर्निंग लिबुई। मोनिका अग्रवाल, गुड मॉर्निंग, आपने अभी ज्वाइन किया, प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए इसे, जिससे और लोग को भी इसके बारे में पता चले। काफी सारे लोग के क्वेश्चंस होते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, तो होपफुली आज हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। और मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है आप। थैंक यू मोनिका, आपने शेयर कर दिया। मोहित गर्ग, थैंक यू, शेयर कर दिया आपने, प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए, शेयरिंग। चलिए रोहित, थैंक यू। हाँ, अच्छा तो अब चीज क्या है, मैंने आपसे काफी सारी इंफॉर्मेशन अभी तक शेयर की है। राज कलोला, गुड मॉर्निंग। आशीष डुंगाना, गुड मॉर्निंग। संतोष, गुड मॉर्निंग। हाँ तो सब लोग प्लीज शेयर कर दीजिए, थैंक यू। तो मोहम्मद उवैस, गुड मॉर्निंग, इसे आप शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पे। अनिर्बान अरमान अरमानियान, गुड मॉर्निंग, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं यहाँ पे, तो वेरी गुड, आप भी आ गए। तो हम अभी एमबीबीएस अब्रॉड का चालू करेंगे। धनंजय मुझे 5 मिनट दीजिए, लेट मी जस्ट क्विकली, आप बैठिए, क्विकली चेकआउट। गीतांशी गौड़, गुड मॉर्निंग, शेयर कर दिया आपने, वेरी गुड, वेरी गुड। मोहम्मद, श्रीराम, शेयर कर दिया, वेरी गुड। तो एक चीज बताइए, आप सब लोग जीओसी पढ़ रहे हैं? हम लोग इसे फ्राइडे से एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं बचा है, अब से 73 डेज है, ठीक है? तो मेहनत करिए, टोटल 22 घंटे के वीडियोस हैं सिर्फ जीओसी के। आदित्य त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग। अमित, गुड मॉर्निंग, प्लीज शेयर कर दीजिए सब लोग। श्रुति, थैंक यू, शेयर कर दिया आपने, ठीक है। 22 घंटे के वीडियोस हैं और हमें फिर शशि भूषण जो टीचर है वो सैटरडे मॉर्निंग मिलेंगे और वो जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें रिजोल्व करेंगे। तो प्लीज 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 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और जीओसी को पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है? मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 10 चैप्टर आपके लिए फ्री करूंगा, दीज आर गोइंग टू बी द 10 चैप्टर्स, ठीक है? वेव ऑप्टिक्स,
रोटेशनल मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इक्विलिब्रियम, जीओसी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन 10 चैप्टर्स को आप अच्छी तरह कर लेंगे, ये वाली जिम्मेदारी मेरी है, बाकी 88 चैप्टर्स आपको करना है, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है इन चैप्टर से मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि हमारा जो फ्री मिनी पैक है ऐप के ऊपर, मैं उस पर ये वाले चैप्टर्स डाल दूंगा, अभी वाले चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे। सो इज दैट ओके? देख लीजिए एक बार, ये है लिस्ट। दिनेश गुड मॉर्निंग, दिवाकर गुड मॉर्निंग, होपफुली ये वीडियो का इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी, अभी काफी सारे लोग लाइव हो गए हैं। तो दीज आर द चैप्टर्स, ठीक है। रोहित, श्रीराम, निहाल, सूरज, मोनिका, इज दिस ओके? दीज आर द चैप्टर्स जिनकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आपको यहां पे सारी फैकल्टी दिखाई दे रही है, ये सारी फैकल्टी आपके आके लाइव सेशन करेगी, ठीक है। इन वाले चैप्टर्स को आप मत पढ़िए, मैं आपको इनको पेस आउट करूंगा, ये नीट तक फ्री रहेगा मोहम्मद ओवेस, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स नीट तक फ्री रहेंगे। ऋषभ गुड मॉर्निंग, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं यहां पे। रोशनी कह रही है परफेक्ट है, वेरी गुड। रोहित अपना फीडबैक दीजिए, श्रीराम फीडबैक दीजिए, संकेत, सब लोग जल्दी से बता दीजिए वेदर दिस लिस्ट इज फाइन। कोवेलेंट अरिंदम, अरिंदम आपने अपना नाम ही चेंज कर लिया, लगता है आपको केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, आशीष सिंह, ठीक है। मुझे पता नहीं है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा इजी है, ज्यादा वेटेज नहीं होता, खुद पढ़ेंगे हो जाएगा, हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है, मैं सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज नहीं करा सकता, पर मैंने आपसे कहा था मैं आपके कुछ चैप्टर्स की जिम्मेदारी लूंगा, तो ये 10 चैप्टर की जिम्मेदारी मैं लूंगा, ठीक है। अगले 6 से 7 हफ्ते में हम इस पूरे को रिवाइज कर देंगे। आयुषी देव, बाकी आपको करना है, ठीक है। ऑल राइट, जिस जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ये आपका लिंक है, ठीक है, और मैं इसे यहां पे पिन कर दे रहा हूं। ये हमारी ऐप है, ठीक है, इसको आप सबने डाउनलोड कर लिया। ये जो फ्री मिनी पैक है जो नीचे दिख रहा है ना, फ्री मिनी पैक, इसके अंदर ये 10 चैप्टर कल सुबह से लाइव हो जाएंगे। आयुषी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, यदि आपके बोर्ड्स है इसमें, आप जो 12th के चैप्टर हम रिवाइज करेंगे ना, मैं ऐसा करूंगा। आयुषी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अमन जैन गुड मॉर्निंग, आपने थर्मोडायनेमिक्स बोला, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और सेमीकंडक्टर मुझे सुनाई दे रहा है, आई थिंक अबाउट दैट, ठीक है। पर एक चीज सुन लीजिए आयुषी, इसमें हम पहले 12th के चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपको बोर्ड्स में भी हेल्प मिल जाए। 11th के चैप्टर यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। पर ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, ये सारी चीजें इस ऐप के थ्रू होगी। मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये वाले वीडियो, एक चैप्टर के वीडियोस देखिए 2 दिन में, उसके बाद यहां पे टीचर आएंगे और लाइव सेशन करेंगे। नहीं, सेमीकंडक्टर नीट के सिलेबस में है रोशनी, आपको गलत इंफॉर्मेशन है। मोहित, मैंने नीचे पिन कर दिया है, कोई सामने से भी पिन कर रहा है यार, प्लीज कोई भी है ना, अपना कमेंट पिन मत करिए, पिन करने का राइट सिर्फ मुझे दीजिए, आप लोग पिन मत करिए। मोहित गर्ग, नीचे ऐप दिखाई दे रहा है, और ऐप जो है यदि आप नीट प्रेप टाइप करेंगे, नीट प्रेप, ठीक है, तो आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो प्लीज ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप के ऊपर ये जो फ्री मिनी पैक है, इसके ऊपर ये सारे चैप्टर्स होंगे, और चैप्टर्स ये होंगे, कल से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये मुश्किल चैप्टर्स हैं, इसलिए मैं टीचर से 1.5-2 घंटे आपके इसमें डाउट क्लैरिफाई कराऊंगा। आप 2 घंटे वीडियो देखेंगे और उसके बाद
आप 2 घंटे वीडियोस देखेंगे और 2 घंटे नहीं, आप सारे वीडियोस देखेंगे और उसके बाद टीचर का डाउट क्लेरिफिकेशन का 2 घंटे का सेशन होगा, ठीक है? परफेक्ट है बॉस। अभिषेक राजपूत गुड मॉर्निंग, आपको पता चल गया ऐप कौन सा है? संकेत ठाकुर, अच्छा एक चीज बताइए, सब लोगों को कॉलेजेस का लिस्ट मिल गया कल? मैंने आपको सारे गवर्नमेंट सारे प्राइवेट कॉलेजेस का लिस्ट भेज दिया था, हर एक में कितनी कितनी सीट्स है, आपको डोमिसाइल का पता चल जाएगा, 85% डोमिसाइल है तो आपको पता है कि आपके स्टेट्स में कितनी सीट्स है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है मेरे से। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हर एक चैप्टर से टिपिकली कितने क्वेश्चन आते हैं हर साल, मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स का जो एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे आपको भेज दिया था, तो आपको सबको मिल गया है। आप सब लोग प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्लीज। और उसके अलावा मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने इसको शेयर नहीं किया है, ठीक है, प्लीज अपनी टाइमलाइन पे इस फीड को शेयर कर दीजिए। आप धनंजय 5 मिनट में इंडिया अब्रॉड वाला सेशन स्टार्ट करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। मोहित, यदि आपको नहीं मिला है तो प्लीज मुझे ईमेल कर दीजिए kgupta@goodeducator.com पे, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। सुभजीत मुझे ईमेल कर दीजिए kgupta@goodeducator.com पे। उमर सैनी, आप नीट प्रेप टाइप करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, आप नीचे देखेंगे मैंने कमेंट पिन किया है, आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधा प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे ऐप के ऊपर, ठीक है। कजीमुल हसन, आप सीधा ऐप के ऊपर पहुंच जाएंगे, नीचे मैंने टाइप किया हुआ है, ठीक है, पर ये ऐप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। हाँ सुभजीत मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट, ठीक है। कजीमुल हसन, आपको समझ आ गया ऐप कैसे मिलेगा? और सुभजीत, कजीमुल, मोहित, उमर, प्लीज इसे शेयर कर दीजिए अपने टाइमलाइन पे, आज मैं चाहता हूं 50 शेयर्स हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कजीमुल, नीचे ऐप का नाम लिखा हुआ है, आप प्ले स्टोर पे जाके नीट पे टाइप करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। उमर सानी, मुझे ईमेल कर दीजिए kgupta@goodeducator.com पे, मैं आपको कॉलेजेस का लिस्ट भेज दूंगा, मैंने सारे स्टूडेंट्स को यहां पे भेज दिया है, ठीक है। रंजन यादव, प्लीज मुझे ईमेल कर दीजिए यहां पे kgupta@goodeducator.com पे। आकाशिता सिन्हा, थैंक यू वेरी मच, प्लीज इसे शेयर कर दीजिए अपने टाइमलाइन पे, ठीक है। मुझे आदिल अमीन का ईमेल आ गया है, तो आप लोग ईमेल करते रहिए और मैं आपको इस सेशन के बाद भेज दूंगा लिस्ट, ठीक है। सब लोग को ऐप का लिंक मिल गया है। आयुषी, यदि आपके पास आईफोन है तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, ये सिर्फ एंड्रॉइड पे चलेगा, ठीक है, नीचे लिंक पड़ा हुआ है। सूरज कुमार, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, सबको ऐप का लिंक मिल गया है, सबको पता चल गया है ये वाले चैप्टर्स ऐप के ऊपर फ्री होंगे, ठीक है, और ऐप की शक्ल ऐसी दिखाई देती है, ठीक है, यहां पे फ्री मिनी पैक में होंगे। साहिब यूसुफ, ठीक है, और यदि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे ऐप ऐसा दिखाई देगा, सबसे ऊपर यदि आप नीट प्रेप टाइप करेंगे, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, नीट प्रेप टाइप करेंगे नीट प्रेप ऊपर तो ऐप ऐसा दिखाई देगा, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐप ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। हमारे बॉटनी के सर भी आ गए हैं, इनका नाम जितेंद्र मिश्रा है। सर गुड मॉर्निंग, आप सब लोग भी ने गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। एक दिन ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को सेशन लेंगे, बहुत बिजी है पर इन्होंने कमिट किया है। सर गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? चलिए वेरी गुड, तो धनंजय ओवर टू यू, जरा स्टूडेंट्स को इंडिया अब्रॉड के बारे में बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इंडिया अब्रॉड, यदि आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है तो देखिए इस तरह से समझेंगे एमबीबीएस अब्रॉड को, और होपफुली धनंजय भी अपने डिस्कशन को इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक फीस है, उसके ऊपर प्राइवेट कॉलेजेस का एक फीस है इंडिया में, ठीक है।
जितेंद्र सर, सब लोग आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं आपके बॉटनी लेक्चर्स के, तो पहले मैं उनको आपको गुड मॉर्निंग बोल लेने दूंगा और उसके बाद आप यहाँ के स्टार है, मैं ना मतलब थोड़ा सपोर्ट स्टार हूं, तो पहले आप आपको सब लोग गुड मॉर्निंग बोल ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर यही प्रॉब्लम है, अब आप मंडे को यहाँ पे आ जाएंगे ना तो सब लोग है ना हल्ला करेंगे कि हमें कपिल नहीं चाहिए, हमें जितेंद्र मिश्रा चाहिए हर रोज यहाँ पे। आनंद मोहन, नीट प्रेप है नाम, नीचे लिंक भी डाला हुआ है मैंने ऐप का, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन लोगों को ऐप अच्छा लग रहा है प्लीज उसको अच्छा रेटिंग भी दे दीजिएगा। देखिए सर, अब हमारा सेशन एमबीबीएस अब्रॉड का मिस्टर जितेंद्र मिश्रा स्टार्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब लोग को पहले आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। मेरा स्टमक ग्राउल कर रहा है। ओके जामिया हमदर्द के लिए नीट के सर थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप है ना मेरा स्टार यहां से है ना खत्म करा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए धनंजय जो है ही रन्स अ कंपनी इन बॉम्बे, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि एमबीबीएस जो है, तो धनंजय इन पॉइंट्स को कवर करिए, ठीक है। कि एक चीज आप ये कवर करिए कि टिपिकली जब आप एमबीबीएस अब्रॉड करने जाते हैं कितना खर्चा होता है, इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में कितना खर्चा होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं पर काफी सारे अच्छे नहीं है, राइट। तो अच्छे नहीं है उनमें कॉस्ट क्या है और विज उनके मुकाबले एमबीबीएस अब्रॉड में क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइज अब एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में आधा घंटे बात करेंगे, ठीक है। तो धनंजय गो एंड, आप थोड़ा बताइए अपनी कंपनी के बारे में और फिर बताइए कि आप कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स को एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भेजते हैं, क्या खर्चा होता है, और जब स्टूडेंट्स अब्रॉड से एमबीबीएस कर लेते हैं और इंडिया वापस आना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या टेस्ट वगैरह लेते हैं। थैंक यू कपिल जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये पहली टाइम मैं फेसबुक लाइव पे हूँ। मैं कभी फेसबुक, हमारा जो फॉर्मेट है वो वेबिनार है, एक्चुअली वी आर वेरी पॉपुलर ऑन वेबिनार। आप कभी मतलब यूट्यूब के ऊपर आप अगर देख पाओगे मोक्ष वेबिनार, ओके अगर आप यूट्यूब पे टाइप कर लोगे मोक्ष वेबिनार तो आपको इसको लगा दीजिए, प्रॉब्ली दे लिसन टू यू बेटर। ओके गाइस, मैं अब आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बात करेंगे बचे हुए आधा घंटे, ठीक है। मिस्टर धनंजय ये भी आधा घंटे में हम लोग एक कोशिश करेंगे कि मैं 15 मिनट में दूं और 15 मिनट आपके सवाल के जवाब दे दूं। दैट विल बी इजीयर फॉर अस। सी कैसा है कि हम वी रन अ कंपनी कॉल्ड मोक्ष, ओके मोक्ष, एंड इट आप वेबसाइट देख सकते हो mokshsixteen.com आप कुछ भी टाइप कर लो गूगल के ऊपर सर्च कर लो, आप हमको देख पाओगे वहां पे, टॉप पे ही होगा जनरली। आप एमबीबीएस इन यूएसए टाइप कर लो आप टॉप पे दोगे, आप मेडिकल पीजी देख लो आप हमको। दैट इज बिकॉज ऑफ वन रीजन कि हमने हर कंट्री के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों भी हर कंट्री के डाले हुए हैं। ऐसा नहीं दिया है कि भाई, इसलिए लोगों को पसंद आता है कि भाई नहीं ये जो बोल रहा है बंदा वो ठीक है, वो मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल, बट बिकॉज हर कंट्री के दोनों चीज है, जैसे इंडिया में है वैसे रशिया का भी है, चाइना का भी है, हर कंट्री का होता है। सो एक सेकंड का, दिस इज वेरी इनकन्वीनियंट एक्चुअली, मेरे को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है, आई विल बी, अगर आवाज नहीं दी सुन, मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो आप मुझे एक टाइप करके बता दो, तो फिर वापस मैं हेडफोन पे आ जाऊंगा, ठीक है। ओके चीज ऐसी है कि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी सी इज पीपल आर नॉट गाइडेड 100% करेक्टली, बहुत अच्छा अच्छा बता के भेज देते हैं, यू नो बिकॉज एक मेडिकल एक ऐसा कीड़ा है जो यू नो 10th स्टैंडर्ड या उसके पहले आपके दिमाग में बैठ गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड इट डजेंट गो सो इजिली, सो यू ट्राई योर बेस्ट, आप अपने आप का मैक्सिमम देने वाले हो,
नीट प्रिपरेशन करने वाले हो, सब कुछ यू नो मैक्सिमम लेवल पे होता है, उसके बावजूद सबको तो मिलना मुश्किल है एडमिशन। तो यू नो कई लोगों के ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो यू हैव टू वॉच इन दिस, तो ओके देर भी उनको लगेगा कि वो आपसे आपसे हाँ आई अंडरस्टैंड। सो मेरा हाँ पहले टाइम है हाँ तो श्योर श्योर, वेबिनार में डोंट ही वरी जरूरत डोंट वरी भी डोंट पड़ती वरी। है। सो ये चीज ऐसा है कि भाई जो जो डिसीजन लो वो कॉन्शियसली सही तरीके से लेना जरूरी है। व्हाट वी डू इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि इंडिया का अगर देखा जाए, कि अगर आपको समझो आफ्टर ट्राइंग योर बेस्ट अगर गवर्नमेंट में नहीं मिला, लेट अस अज्यूम नहीं मिला, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अभी एमसीआई बोलती है तीन चांस है आपके पास, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है और अब्रॉड है। अब्रॉड की सारी यूनिवर्सिटीज यू नो एमसीआई ने लिस्ट करके रखी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट के ऊपर, कि कहाँ जाके पढ़ सकते हो। अब आपने सोचा कि प्राइवेट में ले लूंगा, गवर्नमेंट में नहीं मिला, तो आप जब जाओगे तो आप देखोगे 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, और कॉलेज देखोगे तो आप 15 लाख भी नहीं दोगे उसको पूरे पैकेज का, 5 साल का, 5.5 साल का, आई मीन 4.5 साल का। तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द ऑप्शंस अवेलेबल अनलेस यू गेट इन टू द गवर्नमेंट, दैट यू नो बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, गवर्नमेंट जैसा बनने वाला नहीं है इंडिया में। तो प्राइवेट में तो कमर्शियलाइजेशन है, वो तकलीफें देने वाला है, वो आगे आपका क्वालिटी ऑफ टीचिंग इतना अच्छा नहीं है, कोई कोई अच्छी है। हमने अपना वेबसाइट के ऊपर बहुत कुछ लिख दिया है पूरा प्राइवेट के ऊपर, आप पढ़ोगे तो आप बहुत ही रेयर वेबसाइट्स के ऊपर इतना लिखा जाता है कि भाई ये यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वो यूनिवर्सिटी, ताकि टिपिकली आपको किस टाइप के प्रॉब्लम्स है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स का आप कह रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में सी क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, देर आर टू थ्री प्रॉब्लम्स विच आर आइडेंटिफाइड आफ्टर आई एक्चुअली टॉक विद सो मेनी स्टूडेंट्स आई इंटरेक्टेड। पहला प्रॉब्लम यह है कि आपको अंदर घुसने के टाइम डोनेशन, जो इस पर साल डोनेशन एडमिशन नीट से खत्म हो गया होगा राइट? इस साल 2016 में खत्म हुआ, पर प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने फीस बढ़ा दी। फीस बढ़ा दिया अब श्योर होता गया है कि कोई एजेंट के हाथ में नहीं है। सबसे पहला मैं नीट प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स को यह बताना चाहता हूं, किसी एजेंट को कांटेक्ट मत करना, ओके इट विल बी डायरेक्टली डन बाय नीट, और अगर कोई नीट से नहीं हुआ तो कोई नहीं करा सकता, तो जाके किसी को पैसा मत देना खाली के लिए। दिस इज अ ओके स्टैंडर्ड फीचर विच हैपेंस इन दैट इज गुड प्राइवेट। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि गाइस एक चीज सुन लीजिए, किसी भी एजेंट को पैसा नहीं देना है, किसी भी एजेंट को, जो भी आप पैसा दे रहे हैं गड्ढे में डाल रहे हैं, कोई कमिट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि एडमिशन नीट के थ्रू होगा, और क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ने फीस बढ़ा दी है, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स खाली हैं, ठीक है, तो एजेंट को पैसा देके फायदा ही नहीं है। पैसा तो उस चीज के लिए देते हैं ना जहां पे क्या हुआ? हाँ एक सेकेंड, तो मैं ये कर देता हूं, मैं आपको साइट यहाँ पे मोक्ष 16.com, ठीक है, मैंने इसको मोक्ष 16 को पिन कर दिया है, ठीक है। हाँ तो एक चीज सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो सर बोल रहे हैं, किसी एजेंट को पैसा नहीं देना है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में जितनी उन्होंने फीस बढ़ा दी है उतने एडमिशन नहीं होते, सीट्स खाली होंगी, तो वो आपके पीछे दौड़ दौड़ के आएंगे कि एडमिशन ले लो, इनफैक्ट आप नेगोशिएट कर पाएंगे फीस के लिए, ठीक है, क्योंकि सीट्स खाली हैं, तो एजेंट को पैसा नहीं देना है। लास्ट ईयर का मैं आपको बता दूं कि आपको शायद पता हो, किसी ने स्टडी किया हो तो, सीट इतनी खाली थी कि आखिर गवर्नमेंट ने अपना कट ऑफ 145 मार्क्स पे लेके आया नीट का, बिल्कुल जो जो बिल्कुल हर साल यू नो 480, 500, ये सब कुछ, राइट इट वॉज ऑलमोस्ट 140, और फिर भी सीटें खाली गई क्योंकि क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही नहीं थे, ये प्रॉब्लम था। सो कहने का मतलब यह है कि वो उनकी बातों में मत आना, जो है वो आपका विजन क्लियर रखना कि भाई मुझे गवर्नमेंट में जाना है, मुझे प्राइवेट में जाना है, या मुझे अब्रॉड जाना है। अपने ऑप्शंस अब अपने दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम प्राइवेट का यह है कि प्राइवेट में से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचने वाले नेग्लिजिबल लोग हैं। आज किसी को भी पूछो, आज आप कितने लोग हैं इतने सारे, किसी को भी पूछो किसको क्या बनना है, तो डॉक्टर नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मुझे कार्डियो बनना है, मुझे न्यूरो बनना है, मुझे ये बनना है, वो गायनेक बनना है, कुछ भी स्पेशलाइजेशन। एंड क्या रिजल्ट आता है प्राइवेट वालों को, वो एमबीबीएस ही रहते हैं, वो ये सब स्पेशलाइजेशन पे पहुंचते नहीं है। तो मतलब आपने शुरू किया अपना ये सब कुछ, क्या किस वजह से? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी इज वेरी बैड।
सी वहां पे पढ़ाई कम, एग्जामिनेशंस के ऊपर काफी टाइम फेल किया जाता है, ठीक है, और आपको पैसा लेके पास किया जाता है, ये सब प्राइवेट में बहुत सारा चलता है, ठीक है। आपको जो फीस भराई जाती है उसके ऊपर 10-20% और खर्चा पकड़ लो, जो हिडन कॉस्ट है, जो जाने के बाद पता चलेगा आपको। ये हर कॉलेज में नहीं होता, बट अब मुझे एक चीज बताइए, पॉइंट करना इंडिया मुश्किल में है। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं? जो साउथ में है, जैसे कुछ के नाम बताइए। सी आई एम नॉट आई आई कैन नॉट अच्छा, आई ठीक वेट है आई डोंट वॉन्ट टू डिफरेंशिएट स्टूडेंट्स नो दीज कॉलेज नेम्स, ठीक है। बट कॉलेजेस का नाम लेके डिफरेंशिएट करना मणिपाल इज मोस्ट गुड, ऑफ राइट? मणिपाल इज वेरी गुड, ऑफ कोर्स देयर इज ठीक है एब्सोल्युटली नो ठीक है। डाउट, बट उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इट इज वर्ल्ड वाइड कॉलेज। इनकी कॉलेजेस मल्टीपल कंट्रीज में, मेडिकल ओरिएंटेड कॉलेजेस बहुत अच्छी अवेलेबल है। आई हैव विजिटेड एटलीस्ट 6 कॉलेजेस इन ओवरसीज फॉर मणिपाल, जैसे करिबियन में है AUA करके, आज की तारीख में वो नंबर 1 कॉलेज है ओके विच इज लीडिंग स्टूडेंट्स टू US प्रोग्राम। ओके 1.5 करोड़ का खर्चा है, बट ऑल सेड एंड डन, देखो ऐसे स्पेसिफिक कोई कोई कॉलेज में प्रोफेशनल नाम है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वो वाली कॉलेजेस अच्छी है, बट उसमें कॉस्ट 80 लाख रुपए। आप 80 लाख में आप US चले जाओगे, 80 लाख में आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक चले जाओगे, 80 लाख में आप यहाँ पे PG नहीं कर पाओगे। तो MBBS आज की तारीख में वैल्यू खत्म है ऑलमोस्ट। राइट। तो 6 साल बाद या 5 साल बाद आपकी जो वैल्यू रहेगी सिर्फ MBBS करके नहीं बनने वाली, यू हैव टू थिंक अबाउट MDMS। सो अपना जो नजरिया है वो हमको चेंज करना है। आई एम नॉट हियर टू बिकम जस्ट अ डॉक्टर, आई हैव टू बिकम अ गुड डॉक्टर एंड आई हैव टू कंप्लीट माई स्टडीज राइट अप टू द PG। ये जो नजरिया अगर आप चेंज कर लोगे तो आपका जो सिलेक्शन ऑफ द पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा बदल जाएगा, चाहे वो ओवरसीज हो चाहे वो इंडिया के अंदर हो, क्योंकि इंडिया के अंदर फिर प्राइवेट में घुस, अगर ये क्लैरिटी आ जाएगी तो इंडिया में प्राइवेट आप चूज नहीं करोगे, क्योंकि उतने ही पैसों में बहुत अच्छा आपको एडमिशन मिल जाएगा आपको, और PG तक मिल जाएगा। यस CMC इज देयर व्हिच इज सो पीपल नो श्योर। अबाउट द तो टॉप कॉलेजेस। सी गाइस एक चीज सुन लीजिए, किसी ने पूछा कि ठीक है रोहित, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। अच्छा पथिक, जो इंडिया अब्रॉड में जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू नहीं होगा, ठीक है? आपने क्वेश्चन पूछा है कि नीट के बेसिस पे होगा, नहीं, नीट के थ्रू नहीं होगा इंडिया अब्रॉड में एडमिशन, ठीक है? चलिए जो इंडिया अब्रॉड अब्रॉड में जो होता है वो 12th के बेसिस पे होता है। हाँ ये जो रोहित जी बता रहे हैं CMC, मैं कोई जनरल बात नहीं कर, यू विल फाइंड गुड स्पेसिफिक प्राइवेट कॉलेजेस, 90-95% कॉलेजेस आप खुद देख लो। यहाँ पे मुझे लगता है कि करीबन अप्रोक्सीमेटली 150 कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आती हैं, उसमें से आप एटलीस्ट 130 कॉलेज बोल सकते हो कि जो खराब है। ठीक है नहीं गाइस, है। तो हम एक काम करेंगे, मैं लोगों से पूछ के आपको जो 20 टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उनका लिस्ट पब्लिश कर दूंगा। हमारा टारगेट अभी तो नीट का टारगेट यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में घुसना है। जो टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस है वो भेज दूंगा। कोशिश करना कि उसके अलावा किसी प्राइवेट कॉलेज में ना जाओ। प्राइवेट कॉलेज में भी अफोर्डेबिलिटी इश्यू है, जो टॉप 20 होंगे उनके अंदर भी। ठीक है सर, अब जब अब्रॉड का बात आता है इसमें अच्छा और प्रॉब्लम क्या है वो भी जान लो अपना। ओके अच्छा ये है कि कॉस्ट बहुत लो है, बुरा ये है कि जब आप वापस अब्रॉड में आओगे कॉस्ट लो है। अब्रॉड में कॉस्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15 लाख और इट एंड, अब मैं पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ 5 साल की, और इट इट एंड्स एट ऑलमोस्ट 80 लाख ओके एंड यू एंड विथ 80 लाख इन US। ओके सो ये बहुत बड़ी रेंज है, अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। 12th के बेसिस पे है, देखो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के आएंगे। एक ऐसे आएंगे जो क्वालिफाई नहीं हो पाए, जो यहां से इस लिस्ट में से वो वाले लिस्ट में नहीं दिख रहे, ठीक है, बट ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं किए, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई किए हैं बट उनको दे आर नॉट इन द मेरिट, ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट में है प्राइवेट में मिल रहा है पर वो उनको कॉलेज ठीक नहीं लग रहा है या बजट नहीं है उसमें। ये सारे जो बंच हैं वो सारे फॉरेन के बारे में सोचते हैं। पहली चीज ये ध्यान रख लेना, व्हेन इट कम्स टू फॉरेन कंट्री, व्हेन यू थिंक अबाउट व्हेन व्हाट विल हैपन व्हेन यू रिटर्न बैक, सिर्फ जाने के बारे में मत सोचना, आते समय क्या होने वाला है वो सोचना, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे है। वी सेंड बहुत मतलब ट्रकलोड्स ऑफ स्टूडेंट्स टू फॉरेन कंट्रीज, ओके, बट आपको दोनों तरफ से जानकारी होनी चाहिए। आप वापस आओगे तो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको FMG भी बोलते हैं, वो देनी पड़ेगी आपको, ठीक है।
अगर आप वी आर द ओनली कंपनी, मोक्ष इज द ओनली कंपनी इन इंडिया टुडे, कि हर बच्चे को यहां से सब जब जाता है उसके साथ में एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का पूरा पूरे का पूरा ऑनलाइन कोचिंग देते हैं हम लोग. व्हाट हैपेंस इज 19 सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस इन इंडिया में पूरे 4.5 साल के कोर्स में, और वो 19 सब्जेक्ट को अगर आपको एक ही दिन में एग्जाम देनी हो, जो आपने पढ़ाई की 4.5 साल में, वो एक ही दिन में एग्जाम देनी हो, तो वो बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता. और इसकी वजह से अगर जब तक एमसीआई पास नहीं करोगे रिटर्न होने के बाद, तो आपको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे. इसका मतलब है कि जितना इंपॉर्टेंट एडमिशन लेना है उतना ही इंपॉर्टेंट एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करना है व्हेन यू आर अब्रॉड. अगर आप किसी एजेंट के पास गए और उसने बोल दिया हाँ वहां हो जाएगा, वहां एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट मिल जाएगा, कोचिंग हो जाएगा, प्लीज डोंट बिलीव, दीज थिंग्स डोंट हैपन. आपके हाथ में है वो सही है, नहीं तो नहीं है. ठीक इट्स है, एज गुड एज दैट. सो गो विथ हुम एवर यू फील कंफर्टेबल विथ, बट गो अलॉन्ग विद एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का कोचिंग अपने हाथ में हो. समझो वहां पे एनाटॉमी पढ़ रहे हो, तो आपका इंडिया के हिसाब से एनाटॉमी एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर जो एनाटॉमी आने वाला है उसके ऊपर के जो सवाल है उसकी जो प्रिपरेशन करनी है वो आपको करना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं करोगे, आप एनाटॉमी के मास्टर भी होगे, बट अगर 300 में से 150 एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो प्रैक्टिस करने नहीं मिलेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एज द स्टडी प्रोग्रेस इज अब्रॉड, एंड दैट्स पॉसिबल ओनली विद ऑनलाइन कोचिंग. ठीक है. अब धनंजय एक क्वेश्चन आ रहा है, शिशिर कुमार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आई बीन रिसीविंग मैसेजेस ऑफ दैट पैकेज ऑफ 40 लाख एंड परसू एमबीबीएस इन अब्रॉड, क्या ये ठीक है? तो कोई जज कैसे करे, ऐसा कोई मैसेज आता है कि 40 लाख रुपए में बाहर एमबीबीएस कर लो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो कैसे पता करे कि वो अच्छा है या नहीं है? मैं आई अप्रिशिएट शिशिर, आई टेल यू, ये जो चक्कर है ना, ये पैकेज वगैरह का चक्कर, या अपन कोई टूर टूर ट्रैवल पे जा नहीं रहे अपने हॉलीडेज पे, ये पैकेज वैकेज के चक्कर में मत पड़ना. फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू नो द, मैं यहाँ पे एमबीबीएस करूंगा तो पीजी कहाँ करूंगा. पहली बात, क्या मैं चाइना में एमबीबीएस करूंगा तो क्या मैं पीजी जर्मनी में कर पाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, क्या मैं यूएस में पीजी कर पाऊंगा या इंडिया में पीजी कर पाऊंगा, और वो करने के लिए मुझे कितनी तकलीफें आएगी? ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो 40 लाख का पैकेज बोल रहे हो उसमें उसने क्या क्या इंक्लूड किया है, क्या क्या एक्सक्लूड किया है वो पता नहीं है. यूनिवर्सिटी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है वो पता नहीं है. आज पैसों से आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी से पैसा आप यू नो यू कैन डिराइव कि भाई ये यूनिवर्सिटी है मुझे ठीक लग रही है, इसका कितना कॉस्ट है, कॉस्ट देखे वो. तो यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन अनप्रोफेशनल, वो बंदा जो कभी गया नहीं है, कुछ खुद ने देखा नहीं है, वो बंदों से अगर ऐसे आप, तो वो पैकेज देगा आपको. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ एडमिशन एजेंट एंड एडुकेशन कंसल्टेंट. अ कंसल्टेंट विल गिव यू थ्री थिंग्स, ओके? या रोशनी, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू अबाउट योर नेक्स्ट लेवल. सी, अ कंसल्टेंट विल गिव यू थ्री थिंग्स विच एन एडमिशन एजेंट विल नॉट बी एबल टू गिव यू, यू नो, सो यू कैन आइडेंटिफाई कौन क्या कौन से. तो आपको कंसल्टेंट चूज करना है अगर वो एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का कोचिंग दे रहा है आपको. दूसरी बात कि वो अगर आपको पीजी तक का रोड मैप दे रहा है, सिर्फ एमबीबीएस का एडमिशन लो और सर ये टिकट लो और आप निकल लो, ठीक है. और तीसरा होता है आपको, आप समझो अगर आपका एम है कि जर्मनी जाना है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको जर्मन सिखाना चाहिए वो. अगर आपका एम है वो यूएस जाना है आपको, पर आपके पास यूएस के बजट नहीं है, 80 लाख रुपया नहीं है, आपने सोचा चलो रशिया में पढ़ूंगा, तो ही शुड गिव यू यूएसएमएलई ट्रेनिंग ऑल्सो, कोचिंग ऑल्सो, जो USMLE 1, 2, 3 वहां का जो प्रिपरेशन है. कहने का मतलब है कि एंड टू एंड सॉल्यूशन दे सकता है वो कंसल्टेंट होता है. एक एजेंट वो होता है कि सर आपने 40 लाख में, मैंने एक कॉलेज है मेरी उसमें एडमिशन मैं दिला लूंगा, आपकी तकलीफ है आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है इंडिया में, कोई टेंशन मत लो मैं दिला दूंगा आपको. ये एडमिशन वाले चक्कर नहीं होने चाहिए, करियर वाले चक्कर होने चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए. तो व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम धनंजय, मैं समराइज कर देता हूँ क्योंकि मैं
मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना आप लोग जानते हैं। तो व्हाट इज सेइंग इज कि कहीं से भी एमबीबीएस करने जा रहे हो, जब तक ये क्लियर नहीं है कि वहां से पीजी कहाँ से करोगे और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब तक वो क्लियर नहीं है तब तक कमिट मत करिए किसी भी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब है अच्छा खासा खर्चा होगा इंडिया अब्रॉड अब्रॉड से एमबीबीएस करने में। तो जब तक आपको पीजी तक का रोड मैप क्लियर नहीं है आप उस पर कमिट मत करिए। और गाइस वापस सुन लीजिए, मैं इसीलिए धनंजय को यहाँ पे लाया हूँ, मैंने काफी टाइम से जानता हूं, एजेंट्स के चक्कर में मत पड़िएगा, पैसा गायब हो जाएगा, लिटरली लिटरली गायब हो जाएगा, ठीक है? एजेंट्स के चक्कर में पड़ना नहीं है। 40 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके अर्न किया होगा, एकदम हवन हो जाएगा उसका, ठीक है? ठीक है सर, तो अब समझ गए। एक क्वेश्चन ऊपर एक था। लास्ट वाला दे रहे हैं हाँ वो बराबर रखते हैं, हाँ उसको दे देते हैं। रोहित जो पूछ रहे हैं, हाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर। अब मैं हाँ आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि जो बंदा एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का कोचिंग नहीं मिल रहा है 6 साल तक, इंडिया में आता है, क्रैश कोर्स करता है यहाँ दिल्ली में गौतम नगर में आके, अब 19 सब्जेक्ट, 5.5 साल का ट्रेनिंग, 3 घंटे 3 महीने में वो प्रिपेयर करने की सोच रहा है क्रैश कोर्स में, वो होने वाला है नहीं। एक ही दिन में, पूरे दिन में 8 घंटे का एग्जाम होता है एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट, प्री लंच पोस्ट लंच 6 घंटे का होता है, 2 घंटे उसके लंच, तो वही 8 घंटे में वो बच्चे का डिसीजन हो जाने वाला है। तो उसने कभी 6 महीने 6 साल तक नहीं प्रिपेयर किया जब वो अब्रॉड था, और सडनली 3 महीने में वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्लियर करे, वो होता नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया एमसीआई जितना इंपॉर्टेंट एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का कोचिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट एडमिशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आपने जो रोहित जो बताया वो बहुत सही बात है, और आने के बाद क्या होता है वो डॉक्टर के हिसाब से प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता जब तक पास नहीं होता, बट वो इतना सीरियसली जाने के टाइम नहीं लेता। अगर वो उस टाइम पे ले लेता जब वहां पे एनाटॉमी सीख रहे हैं मैंने बताया आपको, तब वो वहां यहाँ की प्रैक्टिस करता हो ऑनलाइन पे, तो वो स्टेप बाय स्टेप 19 सब्जेक्ट क्लियर करेगा। Then he is ready when he comes back. Other most of the students don't listen to all this. They said, मेरे को एडमिशन मिल गया, हो गया काम, बाकी के बच्चे कहाँ ले रहे हैं सर? आप रोशनी मेरे को जबरदस्ती दे रहे हो, पढ़ाई इतनी इतनी मत कराओ हमसे। एक क्वेश्चन पूछ रही है कि पीजी के बाद भी एमसीआई का टेस्ट होता है क्या इंडिया आने के लिए? सी एक रूल समझ रहे हो रोशनी, कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, अगर आपने पीजी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से किया है तो आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एज एमडीएमएस इंडिया में हो जाता है, उसी वजह से लोग यूएस बहुत जाते हैं अगर बजट हो तो, ओके? अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से हो तो आपको स्पेसिफिक कॉलेजेस ही अप्रूव्ड है, आउटराइट अप्रूवल नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस से हो, यूके से हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कैनेडा, ये 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, यहाँ का पीजी जो होता है वो डायरेक्ट अप्रूवल दे रखा है। अब क्यों दिया है वो मत पूछना, दे रखा है, दे आर गॉड, मेडिकल काउंसिल जो बोल दिया वो बोल दिया। अब नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ऐसा है कि भाई वो उनको कोई यू नो स्पेसिफिक कॉलेजेस अप्रूव्ड है, जैसे आप अगर mciindia.org पे चले जाओगे, मेडिकल काउंसिल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, न तो आपको सिर्फ एमबीबीएस की लिस्ट मिल जाएगी जो अप्रूव्ड है जो ओवरसीज, बट ऑल्सो मेडिकल पीजी के लिए भी आप वार से कर सकते हो, थर्ड स्केड्यूल करके एक आता है, सर्च कर लेना थर्ड स्केड्यूल, तो उसमें पीजी के लिए ओवरसीज का अप्रूवल है वो भी हो जाता है, बट उसके बाद में कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टेस्ट आफ्टर पीजी, यू हैव टू वरी अबाउट टेस्ट आफ्टर एमबीबीएस, ओके? वेरी गुड, ठीक है। नहीं या आई आई थिंक आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस, आप मेरे अभी कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, तो हाँ एक चीज बताइए, कौन कौन से टिपिकली कॉस्ट का आइडिया दीजिए कि अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या कॉस्ट है, अमेरिका, जर्मनी या यूरोप बोले, यूके, फिर बहुत सारे हमने सुना है कि ये वाले कंट्रीज हैं, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, रशिया, फिर चाइना है, फिर इधर फिलीपींस और इंडोनेशिया वगैरह, तो इन सब का कॉस्ट का थोड़ा आइडिया दीजिए कि क्या कॉस्ट होता है। सी पहली चीज कपिल जी की देखो, कॉस्ट जो होती है वो कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, कॉस्ट जो होती है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड रहती है, पहली चीज ये है। फॉर एग्जाम्पल आपको ए ग्रेड यूनिवर्सिटी जो चाइना में है उसकी कॉस्ट है करीबन 35-40 लाख रुपया, खाना पीना रहना सब कुछ मिला के, फीस वीस सब कुछ ए टू जेड।
और जो बी ग्रेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो एवरेज क्वालिटी, अब क्या फर्क है ए बी में वो भी मैं समझा दूंगा। एक जो सेकेंड सायन, इस वाले क्वेश्चन का मैं बाद में जवाब दूंगा कि नीट में 400 से कम आया तो गवर्नमेंट में सीट मिलेगी, चांसेस है कि आप जनरल और ओबीसी में है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए आपको स्टेट डोमिसाइल के थ्रू करीब 480 चाहिएगा, और ऑल इंडिया जो 15% कोटा होता है उसके हिसाब से 500 चाहिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है अभी सिर्फ एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर डिस्कशन फोकस रखते हैं, तो सिर्फ उसके ऊपर ही सवाल पूछिए। ठीक है, नहीं तो फिर धनंजय कल नहीं होंगे, हम ये वाला इस वाले क्वेश्चन का मैं भी आंसर कर सकता हूँ। चलिए, ओके सो क्या बता आप रहे कह रहे थे। थे कि यूनिवर्सिटी के ऊपर कॉस्ट डिपेंड हाँ, करती है। सो कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। एक ही कंट्री के अंदर आपको 35-40 लाख वाले भी हैं, 20-25 लाख वाले भी हैं, और 15-20 लाख वाले भी हैं। ओके सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, द ग्रेडेशन इज डन बाय WHO, द एक्सपीरियंस इन इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। अभी जैसे चाइना में, रशिया में आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटीज 3 साल इंग्लिश में सिखा दिया, 3 साल रशियन में सिखा दिया, स्टूडेंट को कभी बताइए बताते नहीं है लोग। अच्छा कोई कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज है जो सारा का सारा, एक्सेप्ट फॉर सर्जरी, सारा का सारा सब्जेक्ट, 19 सब्जेक्ट, ऑल आर टॉट इन इंग्लिश। तो ये सब जो छोटी, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं आपको हिंट्स देते जा रहा हूँ, आप बहुत माइन्यूटली रिसर्च करना, mock16.com के ऊपर चले जाना, तो भी आपको काफी कुछ हाँ खुलेआम मिल जाएगा, जो नहीं, मतलब मैंने नहीं बोलना चाहिए अगर मुझे भेजना हो तो, बट फिर भी मैंने बोला है, श्योर। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस का बहुत चलता है, लोग बोलते हैं फिलीपींस भेज दो। फिलीपींस में यू डू नॉट गो फॉर एमबीबीएस, यू आर गोइंग फॉर बीएस प्रोग्राम। रिमेंबर दिस, व्हेन यू टॉक टू एनी बडी, यू आर गोइंग फॉर बीएस प्रोग्राम, यू आर नॉट गोइंग फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम। व्हेन यू गो फॉर बीएस, देर इज एनमेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस। और मैंने सुना है एनबैट का सिलेबस काफी नीट के सिलेबस के आसपास ही है, किसी ने यहाँ हाँ, पे एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था एनबैट के बट बारे में। प्रॉब्लम यह है कि एनमेट में पास नहीं होना, फिर वहां पे मेरिट होना चाहिए। आप एक काम, सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, ये जो कंट्रीज जो इसके ऊपर नहीं जाना उसके ऊपर आप स्क्रैप मार देना। तो बता दीजिए कौन कौन से हैं, मैं लिख और लेता क्यों हूँ। देना चाहिए, आप अपनी इंडियन एम्बेसी, उस कंट्री की एम्बेसी पे वेबसाइट पे चले जाना, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। जैसे एग्जांपल फिलीपींस, तो फिलीपींस में इंडियन एम्बेसी है मनीला में अपनी, वो एडवाइजरी देता है स्टूडेंट्स को कि भाई ये चीज संभालने, आप लोग को ऐसे मत आंख बंद करके किसी ने मिस इन्फॉर्म कर दिया और आ मत जाना यहाँ पे, आप समझ रहे हैं। तो आप इंडियन एम्बेसी इन मनीला टाइप कर लो, वहां पे एडवाइजरी लिखी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, सिंस लास्ट मेनी ईयर्स इंडियन स्टूडेंट्स आर कमिंग टू फिलीपींस फॉर मेडिकल स्टडीज, हाउएवर वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर नॉट इनफ एमडी सीट्स आफ्टर एडमिट एग्जामिनेशन ओवर हियर, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव टू गो बैक आफ्टर बीएस डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस करके वापस आ जाएगा, वो एजेंट पैसा ले लिया, बात खत्म होगी उसकी, ठीक आप समझ रहे हैं। सिमिलरली जॉर्जिया, तो जॉर्जिया की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जॉर्जिया एंड आर्मेनिया की एक कॉमन एम्बेसी है अपनी इंडिया की, उसने एडवाइजरी दे रखी है कि भाई भूल से भी गलती से भी अगर आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 5-6 हजार में खाना पीना मिल जाएगा, यहाँ पे महीने का खर्चा है कम से कम 30,000 रुपया, तो 4 लाख रुपया साल का उसके लिए रखना, 4 लाख रुपया फीस के लिए रखना, आप समझ रहे हैं। तो 5 साल का खर्चा 40-45 लाख रुपए हो गया। करेक्ट, और जबकि एजेंट बताएगा 20-25 लाख रुपए, क्योंकि वो 6 हजार में खाना हो जाएगा आपका, रशिया में हो जाता है तो यहाँ क्यों नहीं होगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप फादर मदर को बोलोगे 20 लाख का पेरेंट्स ने बताया ये है, गए हर महीने, फिर 30,000 रुपए कहां से निकालेंगे फादर मदर। सो दीज आर द स्मॉल, सो डोंट गो टू जॉर्जिया इफ योर बजट इज नॉट 40 लाख। ओके, सो ईच इंडिविजुअल, और कौन से ऐसे कंट्री हैं। लेट अस डिवाइड दी होल थिंग, एशिया, यूरोप एंड यूएस। अगर आप यूएस अफोर्ड कर पाओ तो इंडिया की प्राइवेट में भी मत जाना, क्योंकि यूएस का प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएशन तक का है। हमारे mock16.com के ऊपर यो आप गूगल पे टाइप कर लोगे एमबीबीएस इन यूएसए, वो टॉप पे नहीं, करता है आकांक्षा यूजुअली। उन्हें बीएस मिलेगा, उन्हें एमबीबीएस नहीं मिलेगा, उन्हें भी अब पता चल गया होगा। फिलीपींस फॉर एमबीबीएस, सो दे वोंट बी, नो 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 आकांक्षा, आई विल टेल यू, दे विल गिव एनमैट। मोस्ट ऑफ द पीपल, यू नो अराउंड 60% ऑफ द पीपल आर हार्डली एबल टू पास एनमैट, पासिंग इज नॉट इनफ, इन केस दे गेट अ एमडी ओवर देयर, एमबीबीएस इज कॉल्ड एमडी, रिमेंबर। सो इफ दे गेट इन टू द मेरिट ऑफ एनमैट, दे विल गेट द एमडी सीट, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन ऑन द इंडियन एम्बेसी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू रिटर्न बैक आफ्टर बीएस।
सो आकांक्षा दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम. तो जब ट्वेल्थ के बाद जा रहे हैं तो होता क्या ऐसा जी, वो हर्ड मेंटालिटी है. मेरी फ्रेंड गई है तो मैं भी यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है. रोहित भी कह रहा है कि इनका कोई फ्रेंड मॉरिशस में पढ़ रहा है. हाउ इज मॉरिशस? मॉरिशस देयर इज नो हॉस्पिटल. सी दिस इज द प्रॉब्लम. आई होप यू नो दैट वन ऑफ द डीवाई पाटिल जो था महाराष्ट्र वाला, वो भी मॉरिशस में था, बंद कर दिया उन लोगों ने. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मॉरिशस में. सिर्फ एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 2 या 3% है पासिंग रेशियो. एवरेज एटलीस्ट 15-20% होता है. ये 2 और 3% पासिंग है, दैट ऑल्सो री अटेम्प्ट के बाद में. तो मॉरिशियस बिकॉज वहां पे प्रैक्टिकल ज्ञान जीरो पे है, इसलिए वो वहां पे नहीं पास हो रहे हैं. वो सिर्फ डिग्री लेके आते हैं, वो भी यहाँ पे आरएमओ बन के हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है जब तक आप एमसीएस की टेस्ट पास नहीं करते. इसलिए अभी से मैं बता रहा हूं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, गो फॉर अ प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड. इट इज जस्ट नॉट अबाउट टेकिंग अ फ्लाइट एंड गोइंग टू अनदर कंट्री. इट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ योर करियर, जिस वो चिपक जाएगा आपके लाइफ टाइम आपके साथ में. फिर आगे जो तकलीफें आती रहेंगी वो उसको फेस करने के लिए ज्यादा अपने को ताकत लगेगी. इससे अच्छा है पहले आप तकलीफ लेके समझ लो चीजों को, और देन एंड वी हैव लॉट ऑफ, वी हैव वेबिनार्स, वी हैव यू नो यू कैन अटेंड दोस एमबीबीएस इन वेबिनार्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन चैट. जैसे फेसबुक लाइव पे, जैसे मैंने बोला फर्स्ट टाइम है मेरा ऐसा लाइव पे कभी हुआ नहीं है और वीडियो नहीं होता वेबिनार में. मैं अपने आप को छुपा के रखता हूँ, आई एम वेरी कैमरा शाय एंड ऑल. यहाँ आके कपिल जी ने बैठा दिया, बोला बात कर लो चालू. सो बट देन दोज आर द प्लेसेज वेर यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट वेबसाइट्स विच टेल्स यू बोथ द साइड्स. दीज आर फैक्ट्स. इफ यू आर कॉन्फिडेंट टू पास एंड मैट, टेक द रिस्क ऑफ दैट. आई विल प्लेस यू इन फिलीपींस. वी डू प्लेस पीपल इन फिलीपींस, बट वी टेल देम दीज आर द प्रॉब्लम्स विच यू आर एक्सपेक्टेड टू फेस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे एशिया, यूरोप और यूएस, ये तीन जो बात की अपन ने, कृष्णा, यूएसए में एमबीबीएस के बाद ड्रॉबैक्स क्या है? यूएसए का तो आप पूरा वेबिनार ही, आप एक काम कीजिए, आप लोग यूट्यूब पे चले जाइए, मोक्ष वेबिनार्स टाइप कर लीजिए, आपको यूएस का अलग मिल जाएगा, अब्रॉड का मिल जाएगा, मेडिकल पीजी का मिल जाएगा, जर्मनी का, बहुत सारे हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल कीप ऑन वॉचिंग इट. ठीक है, तो गाइज ऐसा करिए, आप सब लोग जो है, आप सब लोग का जो ईमेल एड्रेस है मैं धनंजय के साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है, आप सब लोग एक्चुअली अपना एक बार ईमेल एड्रेस वापस टाइप कर दीजिए, जस्ट इन केस मैं किसी को मिस कर रहा हूँ. जिस जिसको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, धनंजय इन्फॉर्मेशन भेज देंगे. पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक मिनट के लिए वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए कि उसके बाद उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है. ठीक है, जब उसके बारे में सोचना चालू करना है तो अपने पेरेंट्स को धनंजय से कनेक्ट कर दीजिएगा, पर खुद नीट की तैयारी करते रहिए. ठीक है, नहीं तो आप है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कहीं के नहीं पहुंचेंगे. वो जो एक कहावत है ना हिंदी में, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो वाली चीज हो जाएगी. तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने की कोशिश करनी है, लिमिटेड नंबर ऑफ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जाना है. ठीक है, और यदि उन लिमिटेड प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होता तो फिर देखना है कि खर्चा अब्रॉड में और इंडिया में जो मिल रहा है उसमें बेटर कहां पे है खर्चा करना. ठीक है, मैं एक चीज बता सकता हूँ बिफोर आई जस्ट क्लोज डाउन ऑन माय पार्ट, कि एक एक रास्ता कई लोगों को, हाँ तिवारी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इंडिया जैसा एमबीबीएस मिलना मुश्किल है. दिस इज प्रॉब्लम, ऐसा होता है कि कभी कभी सबको मिलता नहीं है, एवरीबॉडी डू नॉट गेट, तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है. आप लोग मेहनत कर रहे हो जिस हिसाब से और जिस हिसाब से जा रहे हो, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ऑफ यू विल मेक इट, बट सम ऑफ यू अगर कोई रह भी गया तो उनके ऐसा नहीं होता कि दैट इज अ डेड एंड ऑफ माय लाइफ, उसको डॉक्टर बनना है, तो ये सारे रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं. मैं सारे बच्चों को एक ही चीज बता रहा हूँ. प्रियांशु, मैं इस बार रिस्पॉन्ड करूंगा, आई एम सॉरी यदि मैंने आपकी ईमेल्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया. आई विल रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल, डोंट वरी, मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस है, आई रिमेम्बर योर नेम. एक ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा कि जितने लोग कपिल जी के थ्रू आएंगे मेरे पास विदाउट टेकिंग इवन अ सिंगल रूपी एडवांस, योर एडमिशन लेटर कैन बी given to you in your selected university without any problem, not a single rupee. आपके पास एक बैकअप तैयार कर लेना, कभी भी लास्ट मिनट भागा भागी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Sure. So that is the best way to create a plan B before you start the major attack जो करने वाले हो, उसके पहले अपना बैकअप तैयार कर लो. आप सिर्फ अटैक करने जाओगे, पीछे कुछ नहीं रहेगा, तो that is going to put you in trouble.
So moksh, this they are moksh as a moksh MBBS abroad is just a backup. It is not your main goal, but definitely it will help you to calm down your pressures. You have one admission letter, उसको frame बना के दीवार पे लगा दो. यार तू काम आएगा जब मेरे को यहाँ नहीं मिलेगा तो. But at least that will take off your pressures. You know, you will feel much more confident that one of the finest universities ranked in the world has already given you some admission letter. So अब कोई रोक नहीं सकता आपको डॉक्टर बनने का. आप समझ रहे हो? So those things can help you in this way, but MBBS abroad can never be. Even if I am doing it, promoting it, I'm, you know, hundreds of students we have placed, but that cannot be the main junction for anybody. Okay, thanks guys. मुझे कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है. आप एशिया, यूरोप और यूएस के बीच में डिफरेंशिएशन बता रहे थे. कैसा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि एशिया में जैसे कंट्रीज है, इट हेल्प्स यू टू स्लॉट आउट योर ऑप्शंस. एशिया में जो है वो चाइना है, किर्गिस्तान है, ठीक है, दीज आर द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन. चाइना और किर्गिस्तान, आज की तारीख में करीबन 12,000 स्टूडेंट्स चाइना और किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद में यूरोप में, एक्चुअली इट इज ईस्ट यूरोप. कभी कोई एजेंट ये बोल दिया आपको कि ये बस यार रशिया में काम कर लो, बाद में जर्मनी यूरोप में शिफ्ट हो जाना, ये होने वाला नहीं है. गाइस एक मिनट मैं बता दूं, क्योंकि थोड़ा मैं दुनिया काफी घूमा हूं, तो ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में क्या फर्क है. ईस्ट यूरोप आपका हुआ पोलैंड, हुआ रोमेनिया, हुआ लिथुएनिया, हुआ जो सारे कंट्रीज रशिया के आसपास होते थे, ठीक है. और वेस्ट यूरोप हुआ आपका पोर्चुगल, हुआ फ्रांस, हुआ स्पेन, हुआ कॉल इंग्लैंड ऑल्सो इन वेस्ट यूरोप, जो सारे नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, ये जो सारे कंट्रीज होंगे वेस्ट यूरोप हो गया. तो ईस्ट यूरोप इज व्हाट यू कॉल पुअरर यूरोप एंड वेस्ट यूरोप इज मोर एफ्लुएंट यूरोप, ठीक है. और यहां से ईस्ट से वेस्ट ऐसे बिना वीजा जा नहीं सकते, बट आपको कई लोग ऐसे रास्ते में मिलेंगे जो बोलेंगे आप यहाँ पे पढ़ लो और सीधा चले जाओ वहां पे, वैसा होने वाला है नहीं. तो यूरोपियन है मतलब वो ईस्ट यूरोप पार्ट है, वहां पे रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और बेलारूस, ये चार कंट्री. पोलैंड है, पर पोलैंड बहुत महंगा है. अच्छा, इसलिए लोग पोलैंड के खर्चे में आप यूएस का प्रोग्राम खत्म कर सकते हैं आज की तारीख में. तो क्योंकि वो रनिंग लिविंग कॉस्ट इज वेरी हाई एंड फीस स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट अपने प्राइवेट कॉलेज जितना फीस स्ट्रक्चर है. सो उससे तो अच्छा इंडिया में ले लो फिर. तो ईस्ट यूरोप में कितने बच्चे जाते हैं आज की तारीख में? जी आज की तारीख में अभी जो है करीबन 15,000 स्टूडेंट्स, अभी आज की तारीख में 15,000 से 20,000 स्टूडेंट्स अभी ईस्ट यूरोप में है. रशिया नहीं, टोटल आउटफ्लो इज अराउंड 12,000, पर ये अभी तक का फिगर्स मैं बता रहा हूँ. 12,000 पर ईयर इज द टोटल आउटफ्लो फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. कैसे, सुन लीजिए, हर रोज हर साल इंडिया से करीब 12,000 लोग अब्रॉड एमबीबीएस करने जाते हैं, और उसमें से सिर्फ 120 लोग ऐसे होते हैं या 250 लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास 250 होते हैं, वो 250 ऐसे होते हैं जो एमसीएस ट्रेनिंग टेस्ट की कोचिंग लेके जाते हैं. आप सोच लो परसेंटेज अभी कितने तैयारी कर रहे हैं और कितने आने के बाद में तैयारी करेंगे. Sure. ये जो आपको समझ में आएगा एमसीएस स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट बुरा है इतना. तो ईस्ट यूरोप में जो है उसमें खर्चा वापस ए बी सी के हिसाब से होता है यूनिवर्सिटीज वाइज. भाई रशिया में अलग होता है, यूक्रेन में वापस वैसे ही होगा. यूएस में जो खर्चा है उसमें वापस तीन रास्ते होते हैं. एक जो होता है जो करीबन 1.5 करोड़ का खर्चा होता है, जैसे मणिपाल में है, रॉस में है, या डायरेक्ट यूएस में है. दूसरा जो होता है इंडियन प्राइवेट कॉलेज जितना खर्चा होगा 60-70 लाख रुपए के बीच में, वो जो होता है थ्रू वाया कैरेबियन होता है. वो बहुत संभालने वाला रूट है, वो बिना आप समझे जाना भी मत भूल से भी. वो उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें नीटिग्रिटी जानकारी होनी चाहिए उसको. तीसरा जो होता है वो 30-40 लाख में कैरेबियन से भेजने वाले कॉलेज है. वो आप कभी यूएस में जाओगे नहीं, आप वापस इंडिया ही आओगे और एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट भी दोगे. यूएस का फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है, आपका पीजी तक का रोड मैप है. दूसरा, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देने का जरूरत नहीं है. और तीसरा, किसमें एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट, आप इफ यू आर कमिंग फ्रॉम यूएस नो नीड टू गिव पीजी एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट. और तीसरा, आपका पीजी का जो डिग्री वहां पे है वो पीजी करते समय आपको पूरे का पूरा पैसा वापस मिल जाए. समझो बैचलर करते समय आपने 70 लाख खर्चा किया, पीजी करते समय वही 70 लाख वापस मिल जाएगा आपको. तो इट इज एज सिंपल एज दैट. मैं पीजी तक जीरो में, अगर मेरे पास 70 लाख रुपया हो आज, genuinely after so many years of my experience and going around so many countries and all, और 70 लाख रुपया मेरे पास हो और मेरे बच्चे को अगर भेजना हो तो मैं यूएस का प्रोग्राम चूज करूंगा, इंडिया का प्राइवेट कॉलेज चूज नहीं करूंगा. दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है.
अगर मेरे पास 25-30 लाख रुपया हो तो मैं कोई भी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी चूज करूंगा, चाहे चाइना जाऊं, चाहे रशिया जाऊं, चाहे कहां भी जाऊं, ये नजरिया होगा। पर ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज आप कह रहे हैं चाइना में है, रशिया में है और यूक्रेन में भी है, यूक्रेन है, यूक्रेन में एक है, ओके ओके, चाइना में है जो महंगी है, ये सारी महंगी रहेंगी, मतलब ये। और चाइना में लैंग्वेज मैंड्रिन होगा? नहीं, सिखाएंगे हर जगह पे इंग्लिश में ही, ओके। जैसे रशिया में बोल देंगे भाई 3 साल इंग्लिश, 3 साल रशियन, मतलब बोल, वो एजेंट नहीं बोलेगा आपको, आपको बोलेगा कॉलेज वाला। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग बिफोर यू गो। तो ऐसी वाली यूनिवर्सिटी लो जहां पे 6 के 6 साल आपको इंग्लिश में सिखाए, एक्सेप्ट सर्जरी, सर्जरी नहीं सिखाई जा सकती, पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर खुद आता है और वो, ठीक है। सो ये सब हिसाब है, तो मतलब वी विल कंटिन्यू, कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे कभी ना कभी, स्केड्यूल करके और डेप्थ में लेके जाएंगे, लेट दिस एग्जाम्स गेट ओवर। ठीक है गाइस, तो थैंक यू धनंजय जी, मैं थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल एवरीबॉडी टू जॉइन। तो मैं क्विकली, अब ऐसा करते हैं, एक चीज कंफर्म कर लेते हैं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मैं आपको बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। अब्रॉड जा रहे हैं, 15 से 80 लाख का खर्चा है, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जब वापस आएंगे, यूएसए से यदि वापस आ रहे तो एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता है एमबीबीएस के बाद, बाकी सब जगह से एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जिस यूएस में भी एमबीबीएस के बाद आओगे तो करेगा, बट यूएस में एमबीबीएस के लिए कोई जाता नहीं है, पीजी तक खत्म करके आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। तो एमबीबीएस के बाद आप वापस आ रहे हैं तो एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। फिर मैंने सर से सुना कि mciindia.org पे चले जाइए, वहां पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा, एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी हालत में कोई एजेंट को 1 रुपया नहीं देना है, ना एजेंट आपका प्राइवेट कॉलेज में कराएगा और एजेंट जो अब्रॉड भेजेगा वो भी गड़बड़ है, तो किसी भी हालत में एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉस्ट जो है कंट्री के हिसाब से नहीं होती, कॉस्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सर ये क्वेश्चन पूछ रहे आयुषी की, व्हाट परसेंटेज आई शुड गेट इन 12th? सी अगेन, इफ इट इज चाइना, लेट्स से यू वांट टू गेट इनटू ए ग्रेड यूनिवर्सिटी, 80% इन पीसीबी इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी। 80% चाइना में? चाइना में, वाओ, इन पीसीबी, ओके ओके। सम ए ग्रेड विल गिव यू फॉर 70-75%, बट इन चाइना दिस इज वेरी स्पेसिफिक, बट इफ यू हैव गॉट लोअर परसेंटेज एंड इफ यू स्टिल वांट टू गो फॉर ए ग्रेड एंड इफ यू हैव अ बजट ऑफ लेट्स से 35-40, 30-35 लाख रुपीज, यू कैन गो इनटू रशिया, ओके। बट अगेन छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस आएंगे, तो आप बोलेंगे मुझे चाइना जाना है सर, चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला यूनिवर्सिटी। चलिए, दैट इज फिनोमिनल गाइस, मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो बहुत हेल्पफुल है, सब लोग प्लीज अपने इसे टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, सर ने यह कहा कि फिलीपींस और जॉर्जिया से बचना है, जॉर्जिया में आपको जो खर्चा बोला जाएगा, रहने खाने का खर्चा महीने का 30,000 रुपए, तो ओवरऑल आपका 5 साल का खर्चा रहने रहने का करीब 20 लाख रुपए का आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट एड्रेस वापस डाल रहा हूं, www.moksh16। आप सब लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, सर आपको ईमेल कर देंगे सारी डिटेल्स, ठीक है, जिससे फिर आप इनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। प्रियांशी, फॉर यूएसए स्कॉलरशिप्स के लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देर आर स्कॉलरशिप रनिंग विदाउट अ स्कॉलरशिप टेस्ट राइट नाउ, एंड फॉर द सेम कॉलेज देर विल बी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 2nd July, ओके। सो इट्स बेटर इफ समबडी वॉन्ट्स टू जस्ट टेक द एडमिशन लेटर, टेक दिस कंडीशनल स्कॉलरशिप लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड कीप इट इन योर पॉकेट, दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट, ठीक है। ये रोहित, केमिस्ट्री का सेशन होगा सैटरडे को, ठीक है, और ठीक है। तो आप सब अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, आप एक बार सेशन खत्म करना है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज नीट की तैयारी करनी है, अभी एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में नहीं सोचना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन सर ने दे दी है, मैं आपको सर से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, सब लोग को सर की तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाएगा, बट अभी नीट की तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ये वाले चैप्टर्स जो है मैं नीट प्रेप ऐप के ऊपर फ्री कर रहा हूं, इन वाले चैप्टर्स का आपका लाइव सेशन होगा, ठीक है। आप सबको पता है कि नीट प्रेप ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, मैंने यहां पे नीचे लिंक डाल दिया है नीट प्रेप ऐप का, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है, नीट की तैयारी करनी है, अपना आप टाइम खराब नहीं करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको धनंजय सर भेज देंगे, उसको अपने पास रख लेना, और नीट के एग्जाम के बाद उसके बारे में सोचना है, अभी कुछ नहीं सोचना, ठीक है।
नहीं किरण, आईफोन पे हमारा ऐप नहीं चलेगा, ये सिर्फ एंड्रॉइड पे चलेगा, ठीक है? पर प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने जैसा बोला है, ये 10 चैप्टर मैं आपको इस ऐप पे रिवाइज कराऊंगा। आप ऐप पे वीडियो देखेंगे और उसके बाद टीचर्स का लाइव सेशन होगा, ठीक है? रामेश्वर ईमेल भेज दीजिए, सर आपको किर्गिस्तान का इंफॉर्मेशन भेज देंगे। जस्ट सेंड मी द ईमेल, मैं आप लोगों को धनंजय सर के यहां से ईमेल आ जाएगा, ही विल गेट इन टच विद यू, ठीक है? तो ये वाले चैप्टर्स है, ये आपको नीट प्रेप ऐप पे फ्री दिखाई देंगे, ठीक है, कल से। और इन्हीं चैप्टर्स का फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर का किस किस दिन लाइव सेशन होगा, उसके 2 दिन पहले से आप उसे पढ़ना चालू कर दीजिएगा। अभी के लिए सारे चैप्टर छोड़ दीजिए, ठीक है? उनका ऐप का नाम नीट प्रेप है, नीट प्रेप, ठीक है? मैंने नीचे ये डाल दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? ठीक है गाइस, तो होपफुली आप सब लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट की तैयारी करनी है, अब्रॉड प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचना है, 500 नंबर स्कोर करने की कोशिश करनी है सबसे पहले। नहीं होगा उसके बाद आगे क्या करना है वो सोचेंगे, ठीक है? पर अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम ये सेशन खत्म करते हैं। सुचारिता, मैंने आपको पहली बार देखा है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग। जो भी लोग हैं यहाँ पे प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, और आप ऐप डाउनलोड करें तो ऐप को अच्छा रेटिंग दीजिए, उससे प्ले स्टोर पे ऊपर आएगा और काफी सारे लोग ऐप को देख पाएंगे, ठीक है? तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं हर रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ पे आपसे मिलूंगा, और यहाँ पे मिलने का हाँ आकांक्षा जीओसी खत्म करना है, ठीक है? तो आपको जीओसी फ्राइडे नाइट, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे नाइट तक पढ़ेंगी और फिर सैटरडे मॉर्निंग को उसका डाउट सेशन होगा। रोशनी ईमेल भेज दीजिए, आप सारी इंफॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी। अब हम एमबीबीएस अब्रॉड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब सिर्फ नीट का डिस्कशन होगा 7 मई तक, 7 मई के बाद सोचना चालू करेंगे कि क्या करना है लाइफ में आगे, ठीक है? सब लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने आपको चैप्टर लिस्ट बता दिया है। मेरा ऐप का नाम नीट प्रेप है, देखिए नीचे मैंने पिन भी किया हुआ है कमेंट, ठीक है? ये है, और ये वाले चैप्टर्स होंगे, मैं इस पे बड़ा बड़ा लिख देता हूं, नीट प्रेप, सिंगल वर्ड है, नीट प्रेप, ठीक है? ये ऐप सिंगल वर्ड, प्रियांशु ये सारे सवालों का आपको बाद में जवाब मिल जाएगा। रिया, मेधा, सुचारिता, प्लीज ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस पे आपको फ्री चैप्टर्स दिखाई देंगे और उन चैप्टर्स का आपको लाइव सेशन होगा और मैं उनका शेड्यूल पब्लिश कर दूंगा, ठीक है? मैंने ये मैं खुद हर रोज सुबह जल्दी जग के यहाँ पे 9 से 10 पहुंच रहा हूं, इसका पर्पज ये है कि आप लोग भी सुबह जल्दी जगने की आदत डाल लें। एग्जाम 10 बजे से 1 बजे तक होगा, रात को 3-3 बजे तक पढ़ने की आदत ना डालें। सुबह 7:30 पे जगना है और रात को 11-11:30 पे सो जाना है, 7 घंटे का स्लीप चाहिए। दूसरी चीज, दिन में 8 घंटे पढ़ना है, 2-2 घंटे के 4 पीसेस, ठीक है? हर रोज 2 चैप्टर रिवाइज करने, इजी और डिफिकल्ट चैप्टर है वो 1 चैप्टर, और ये वाले 10 चैप्टर रिवाइज करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप इनके वीडियो देखेंगे और इसके बाद इनका डाउट सेशन हमारी जो फैकल्टी है वो आपके लिए कराएगी, जिससे आपके इसमें डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिए, तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, देन वी विल लॉग ऑफ। होपफुली आप सब लोग को पता चल गया। रिया एक बार कोशिश करिएगा, वापस चल जाएगा, यदि इश्यू होता है तो मुझे ईमेल कर दीजिए, kgupta@goodeducator.com पे, ठीक है? सॉरी मैंने गलत टाइप किया, kgupta@goodeducator.com, ठीक है? ठीक है, तो चलिए, होपफुली सब लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, सबको आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, धनंजय भेज देंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होता है मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपके पास मेरा ईमेल है। अनन्या, आपको क्या रिप्लाई चाहिए? बीएससी फॉरेंसिक साइंस, वो मेरी साइट पे पेंडिंग है, परेशान मत होइए, आई विल डेफिनेटली कम बैक यू विद एन आंसर इन 2-3 डेज। आपको उसके अलावा और कुछ रिप्लाई चाहिए मेरे से? मैंने आपको सबको कॉलेजेस का लिस्ट भेज दिया, जिस जिसको कॉलेजेस का लिस्ट नहीं मिला है प्लीज मुझे ईमेल डाल दीजिएगा कि कौन कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में है, वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। मैंने आपको ये भी बताया था
कि ये पूरा हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है उसका लिस्ट है, टोटल 1700 टॉपिक्स है। मैंने ये भी लिस्ट सब लोग को कल भेज दिया है, हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो हमने बनाया है, पर आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो ओंकार मुझे ईमेल डाल दीजिए, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, मैंने बहुत बार टाइप कर दिया है, तो ईमेल में लिख दीजिएगा कि आपको कॉलेज लिस्ट चाहिए और चैप्टर में टॉपिक का क्या लिस्ट है वो चाहिए, तो वो मैं आप सब लोग को भेज दूंगा, ठीक है। हाँ रितेश मुझे ईमेल डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा मेरे से रिप्लाई, मैं आपको पूरे चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक का लिस्ट है और टोटल गवर्नमेंट लिस्ट है, अच्छा ठीक है अनन्या, ठीक है। तो अनन्या मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूं आज या कल मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा, आपका क्वेश्चन सिर्फ बीएससी फॉरेंसिक साइंस पे है राइट। कीर्ति मुझे ईमेल भेज दीजिए, आपने मेरा ईमेल एड्रेस देख लिया है, किरण मुझे ईमेल भेज दीजिए, ठीक है। और प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब हम बचे हुए सेशंस ऐप के अराउंड ही करेंगे, ठीक है। इज इट ऑल राइट, सब लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, प्लीज अच्छा रेटिंग दे दीजिए, काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी काफी अच्छा रेटिंग दे दिया है, उससे आपका रेटिंग बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है अनन्या, मैं डेफिनेटली आज या कल में आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। नहीं शशांक मैं व्हाट्सएप ग्रुप मैनेज नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग हर छोटी चीज पे सवाल पूछेंगे, आई डोंट वांट टू बी अ कॉल सेंटर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे, तो मैं इसीलिए व्हाट्सएप नहीं कर रहा। देखिए सैफ आप मुझे ईमेल भेज दीजिए, मैं चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो भेज दूंगा, ठीक है। रितेश अभी जीओसी चल रहा है, तो आप ऐप पे जाएंगे, आप ऐप के ऊपर जाएंगे तो यहां पे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला चैप्टर फ्री चल रहा है, इसके अलावा ये फ्री मिनी पैक के अंदर चैप्टर्स खाली है, मतलब फ्री है। अनन्या ये जो 10 चैप्टर मैं फ्री करूंगा, ये वाले 10 चैप्टर ये नीट एग्जाम तक फ्री रहेंगे, उसके अलावा आपको बाकी चैप्टर एक्सेस करने हैं, हमने प्राइस बहुत कम रखी है, 3000 रुपीज का पैकेज है, आप वहां पे जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। पर जो मैंने मेंशन किए हैं वो नीट एग्जाम तक फ्री रहेंगे, वो मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं उसकी तैयारी कराने की, तो वो कभी भी गायब नहीं होंगे, ठीक है। सब लोग प्लीज मुझे ईमेल कर दीजिए kgupta@goodeducator.com पे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, कैसा रहा सेशन, मजा आया? आप सब लोग अल्फाज मुझे ईमेल डाल दीजिए, इमीडिएटली नहीं आएगा, आपको 1-2 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा। तो मजा आया धनंजय सर के साथ, और अब मैंने आपको इंडिया अब्रॉड के बारे में बता दिया है, पर अब सोचना नहीं है उसके बारे में, मैं आपके ईमेल एड्रेसेस सर को प्रोवाइड कर दूंगा, ही विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, बट अभी ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना, नीट की तैयारी करनी है अभी सर, ठीक है। सब लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, प्रियांशु आई विल रिप्लाई, अभी नहीं 1-1.5 घंटे बाद मैं रिप्लाई करूंगा। सुष्मिता मुझे ईमेल डाल दीजिए kgupta@goodeducator.com पे, एंड देन आई विल रिप्लाई। होपफुली आपको ये सेशंस यूजफुल लग रहे हैं, और हम लोग हर रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मिलेंगे, हर रोज सुबह मैं आप लोग के साथ होऊंगा, नीट का एग्जाम 7 मई तक सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। कीरु कीर्ति में प्योर इंग्लिश में नहीं जा सकता, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी अंग्रेजी ठीक है, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, बट ये सेशन इंग्लिश और हिंदी के कॉम्बिनेशन में होंगे, प्योर इंग्लिश नहीं होगा, क्योंकि अभी भी वास्ट पार्ट्स इन द कंट्री कैनॉट अंडरस्टैंड प्योर इंग्लिश, ठीक है। लुबित सिंह आज गॉड प्रॉमिस मैं आपको वीडियो एडिटर के बारे में बता दूंगा, ठीक है, सॉरी। ठीक है गाइस, तो वापस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने इन चैप्टर्स का जिम्मेदारी लिया है, पर इसके लिए प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के ऊपर ये चैप्टर्स आपको फ्री मिनी पैक के अंदर कल से दिखाई देना चालू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्री मिनी पैक ऐसा दिखाई देता है, ये नीचे ऐप के अंदर, ये ऐप का यूआई है, फ्री मिनी पैक है, इसके अंदर आपको ये चैप्टर दिखाई देना चालू हो जाएंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच, प्लीज अब आप लोग जा सकते हैं, जाने से पहले इसे शेयर कर दीजिए, और मैं आपसे कल सुबह 9 बजे मिलूंगा, सैटरडे को जीओसी का डाउट सेशन है, तो तब तक आपको सारे वीडियो देखने हैं, ठीक है।
वेदांत पांडे अभी जीओसी चल रहा है, ठीक है, तो जीओसी फ्री है, ऐप के ऊपर जाके उसे देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस है, मेहनत करनी पड़ेगी, 20 घंटे के वीडियोस है जीओसी पर आपने जीओसी कर लिया तो आपका 75% केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मेरा ईमेल एड्रेस kgupta@goodeducator.com है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, थक गया हूं अब मैं तो मैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा, धनंजय भी थक गए, तो नाउ वील कैच अप टुमारो। प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक आपके पास है, आपको ऐप का पता नहीं चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ईमेल डाल दीजिएगा, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। किरण थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धनंजय भी मुझे बता रहे ही आल्सो लाइक्ड इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, नाइस प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली इट वाज रियली गुड टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप लोगों को और आपके सवालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो आई कीप ऑन कमिंग मोर एंड मोर टू गेट टेक यू नो मच मोर डिटेल्ड एंड मोर मच मोर यू नो डिस्क्रिप्टिव सो दैट आप कुछ आगे बढ़ सको, बट दैट एज कपिल यू सेड इट विल बी आफ्टर योर एग्जाम्स नॉट बिफोर दैट। हां अभी से नीट की तैयारी है, आप अब्रॉड को भूल जाइए, आपको अब्रॉड के लिए एक ईमेल आ जाएगा सर का। तो चलिए तिवारी जी, पीछे चल रहे 26 वीडियो से कुछ नहीं होगा, 85 वीडियो देखने, कम से कम उसमें 60-70 तक पहुंच जाइए सैटरडे के सेशन से पहले। तो गाइस प्लीज दम लगाइए, पढ़िए, जीओसी कर लेंगे, जो हमने रिकॉर्डिंग की है 70-80% आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, ठीक है, 70-80%। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगले दो दिन अच्छी तरह जीओसी पढ़ लीजिए, सैटरडे को डाउट सेशन के बाद 70-80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कीरू मैं अभी अंग्रेजी में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, हम लोग व्हाट वील ट्राई एंड डू इज वील प्रोबली स्टार्ट अ सेपरेट सेशन ओनली फॉर इंग्लिश ओनली इन विच आई विल ओनली टॉक इन इंग्लिश, बट एट दिस प्लेस इट इज गोइंग टू बी इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी में बात करेंगे, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो और कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं एक मिनट में लॉग ऑफ हो रहा हूं, तो जल्दी से और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज 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 इसे शेयर कर दीजिए, आज का सेशन बहुत यूजफुल था, बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं, बहुत सारे लोग को एजेंट वगैरह कॉल कर रहे होते हैं, तो प्लीज वो ये सेशन देखेंगे तो उनके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज 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 इसे शेयर कर दीजिए, आई हैव मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इस वाले सेशन को शेयर कर दीजिए, जिस जिसने शेयर कर दिया है, कीर्ति जॉन प्लीज यहाँ पे लिख दीजिए कि आपने शेयर कर दीजिए, आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। मैं चाहता हूं कि धनंजय सर का ये सेशन बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे अब्रॉड के बारे में, ठीक है। तो प्लीज आप शेयर कर दीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कर दिया है, फिर मैं लॉग ऑफ कर रहा हूं। ऋषभ कोई बात नहीं, ये वीडियो अवेलेबल होगा, बस आप इसे शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है, ये वीडियो अभी हमारे नीट ऑनलाइन पेज पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मिस कर दिया तो हमने। किरण थैंक यू वेरी मच, प्लीज बाकी लोग भी शेयर कर दीजिए, सैफ थैंक यू, सैफ जॉन रिया शेयर कर दीजिए प्लीज इसे, थैंक यू कीर्ति शेयर कर दिया आपने, थैंक यू सो मच सुष्मिता, थैंक यू, और प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐप के ऊपर अब हमारा आगे का सारा प्रेपरेशन होगा, 7 मई तक मैं हर रोज आपको, इवन ऑन संडेज आई एम गोइंग टू बी हेयर ऑन फ्रॉम 9 to 10, आप लोग भी सुबह 7:30 पे जगने की आदत डाल लीजिए, ठीक है, और रात को 11:30 पे सो जाना है, दिन में 8 घंटे पढ़ना है, 2-2 घंटे के 4 पीसेस, बीच में 45 मिनट 1 घंटे के लिए सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नींद आ रही है तो लोगों ने सजेशन दिया है कि ब्रश कर सकते हैं, नंगे पांव वॉक कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप ट्राई कर लीजिए, व्हाटएवर वर्क्स, ठीक है। थैंक यू शशांक, थैंक यू तिवारी, थैंक यू वीरावली, सब लोगों ने शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच। अब मैं लॉग ऑफ कर रहा हूं और कल मैं आपसे सुबह 9 बजे मिलूंगा, ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए शुक्रवार तक, टुमारो आई विल मीट यू एट 9 AM, बाय बाय।